करें स्टार्ट फिर क्या यार थोड़ा ये। सा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फीफा स्टार्ट पावर्ड बाय वेव्स। वेव्स का नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। हाँ यही कहा है यार। कल के मैचेस ब्राजील का बहुत नाम मजे काफी के है। थे कल का मैच ब्राजील ने जो खेल यार। दिया ना कल जो गोल हुए यार, यार, जो गोल हुए यार, मजा बहुत ही आ गया बहुत यार। अलग। पहली दफा यार किसी जो वर्ल्ड कप में, इस पूरे वर्ल्ड कप में ना, किसी यार जो टीम ने मैंने सबसे गोल किया अच्छा खेला। ना, लेफ्ट पाँव से गोल किया, ओ हो मजा ही आ गया उसका। मैं अपनी गेम की बात करूँ, तुम कहाँ पहुंच जाते हो यार। तुमने मिस किया कर लिया अच्छा हाँ निकल मैंने यार। यार, मैंने डॉच किया। वो तुम्हारा जो सुपर शुरली प्लेयर नहीं है, वो कौन मेरे पीछे पर लगा था, उसको मैंने डॉच किया। ठीक है, उसको लगा आउट फीफा हो की गई। बात नहीं कर रहे आज हम? फीफा हाँ की बात नहीं कर रहे? मैं कल अपने वाली गेम की बात करूँ। फीफा ही है यार, इट्स फीफा। अच्छा मैं तो बता रहा हूँ भाई कितना अच्छा प्लेयर है यार। भाई को मैंने गोल, एक गोल से दूसरे गोल तक दौड़ाया, उसको लगा आउट हुआ। मैंने उधर से लाइन से टक करके लेफ्ट से गोल मारा। वो भाई जो हीरो बनते हैं ना, उनकी शुरली मास्टर, वो तो देखते ही रह गए। हुआ किया उनके साथ। फिर भाई ने बहुत उसके सही। बाद जी पांचवा गोल, विनिंग गोल मारा टक, और हम लोग जीत गए। भाई इंजरी सही कराओ अपनी, जल्दी सही हो। मैं बस हो गया, मैं हाँ तो ताकि हम लोग प्रॉपरली गेम शुरू करें। कोल्ड शॉवर खत्म कर दिया, गर्म पानी से नहा रहा हूँ। गर्म पानी से। हाँ मुबारक हो, मुबारक हो यार। तुम ना लगता है तुमने बोला गाना लगा लिया है, कौन सा? वो आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है। मैं गाने नहीं ये सुनता। मेरा दिल पुकारे, आ बोल जा आ जा। रहा तुम्हें ना हूँ एक चले काम करना चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट टाइम ना, तुमने बेसो वाटर हीटर तो ले ही लिया है फाइनली, ठीक है। तुमने रात को कितने बजे नहाते हो? रात को ना क्यों है चलो किस टाइम पे नहाते हो? सुबह। सुबह नहाते हो? सुबह सुबह नहाते हो ना, तुमने ना अपनी रिंग टोन या अलार्म लगाना, उस पर ना ये वाला गाना लगाना है, मेरा दिल पुकारे आ जा। उससे क्या होगा? जब वो इतनी इरिटेटिंग आवाज़ आएगी ना तुम्हें, तो पता चलेगा नहाने का टाइम हो गया, वो भी वेव्स की वाटर हाँ हीटर से। ट्राई अच्छा करना यार, ट्राई। चलो ठीक है। चलो, कल मैच देखे आपने? क्रोशिया और जापान का देखा नहीं है, हाईलाइट्स देखी है। क्रोशिया जापान का मैच अच्छा था उसका। उनका एक प्लेयर है मैडा, मैदा, पता नहीं कौन, मैदा है मैदा। मैंने हाईलाइट्स वो देखी बहुत हैं, अच्छा मुझे खेला, इतनी डिटेल्स नहीं पता। वो बहुत अच्छा खेला। तो उनका फिर वैसे है, क्रोशिया जितनी बड़ी टीम है उसको वैसे जीत जाना चाहिए था, इंजरी एक्स्ट्रा जापान टाइम छोटी पे टीम है लेके नहीं तुम कह जाना रहे चाहिए। हो? जापान छोटी टीम जापान है, ने पूरा सफाई करने के लिए पाकिस्तान, बहुत अच्छी हाँ जो टीम है। पूरा नहीं पाकिस्तान तो जैपनीज पार्ट्स मंगवाता रहता है, जैपनीज कार्स मंगवाता रहता है, जापान छोटी चीज़ है, उसका मतलब ये थोड़ी, फुटबॉल भी अच्छा खेल रही है उस तरह से। खेल रही थी। क्रोशिया बहुत बड़ी टीम है यार। अगर क्रोशिया, फुटबॉल क्रोशिया बुरा देखो, खेल कल रहा है। लक की गेम थी, लक की गेम थी, कल पेनल्टीज लक की गेम थी। में जब आ जाती तब लक की यस बात होती ऑब्वियसली है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, दैट वाज क्रोशिया जितनी टफ। बड़ी टीम थी उनके वैसे ही आगे पहुंच जाना चाहिए था। दूसरा उनका मॉडरिच अच्छा खेल रहा था, या बाबो बाबे बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप बाबे में। पापे। और दूसरा ये कि अब ना क्रोशिया को परफॉर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच के लिए, क्योंकि अब उनका माइटी ब्राज़ील के साथ मैच है। सही। अब ब्राज़ील का जो कल मैच हुआ है अच्छा पहले ब्राजील देख से पहुंचते, वो मेरा सबसे बेस्ट मैच था कल का, जो मैं सो सो के देख लिया था किसी लिया तरह। किसी तरीके से। हाँ तो लेकिन यार ये जो ये वाला मैच था ना यार, नेक टू नेक यार, दोनों टीमों ने अटैक किया, दोनों हाँ कीपर्स ने अरे रोका, जापानीज फैन भी बड़े इमोशनल होकर जैपनीज। मैच देख रहे होते हैं, रोना शुरू कर रहे हैं। हाँ गोल हो जाता तब भी रो रहे हैं, यार उधर से गोल खा लिया तब कोरियन, भी रो रहे हाँ हैं। उधर से कोरियन आ रहे हैं, इधर से जैपनीज आ रहे हैं, दोनों की सेम शक्ल वाले, मिलते जुलते लोग नहीं थे। हाँ हाँ, शक्ल जरा सेम लगते हैं सो इनके। बेचारे किस्मत दोनों की खराब थी। है खैर, फिर जैपनीज एंड क्रोशिया का जो मैच था थ्रू आउट यार, एक्स्ट्रा टाइम गया, एक्स्ट्रा टाइम में सबने एफर्ट मारी यार, वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं कहता हूँ, क्योंकि थ्रू आउट दे लड़के फॉट, खेले। हाँ लड़के खेले एंड तक खेले, और बाकी पेनल्टीज वो पेनल्टीज पे किस्मत। कोई भी नहीं, पेनल्टीज वो पे याद है हमारा मैच? मैं तो दुआ करता हूँ कि हाँ अर्जेंटीना का मैच जो है वो उसमें पेनल्टीज पे ना जाए। तुम्हें याद है हमारा पेनल्टीज पे मैच हुआ आप था एक, हम फाइनल पहुंच गए थे और पेनल्टीज की वजह से हम लोग हार गए। हार गए। हाँ यार मुझे तो याद है, मेरे मुंह पे ऐसे बॉल आई जो ठक करके वापस गई थी, इतना छोटा गोल था यार। सही है। सही। लेट्स टॉक अबाउट ब्राजील, ब्राजील। ब्राजीला है। ब्राजील के बारे में पता, ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ते को छोड़ देते कि पड़ जाओ हाँ इनके पीछे यार। मैच स्टार्ट हुआ है 7 मिनट पे गोल, 10 मिनट पे गोल, अगली टीम को समझ ही नहीं आने यार दी उन्होंने, होश ही नहीं आने दी। ऑनेस्टली येलो वाज ऑल राउंड टीम, डर्टी फेलो। आई गेस नेमर वापस, तुम्हारा नेमर, नेमार, नेमार, ठीक है, नेमार जो नेमार वापस के आ गया है ना, आने का इम्पैक्ट है इम्पैक्ट खाली है।
कि अगली टीम वैसे ही ना लड़खड़ा गई थी, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या खेले हैं वो लोग, बहुत ही आला। दूसरा उनका उन्होंने एक वैसे पहले भी बीमार है तो उसको भी उन्होंने वो करना था, तो उस वजह से भी ना वो अपने ज़रा ज़्यादा एक एफर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी तक का जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ ना, सबसे ज़्यादा जो डेडली गेम किसी ने खेली है ना आज तक, ब्राज़ील की ब्राज़ील ने खेली और है। कल का मैच, इट वाज कल अमेजिंग वो यार बहुत बहुत अच्छा मैच था। यार, जो कोऑर्डिनेशन जो टीम वर्क था ना, वन पिंग टच ऑन पासिंग, वन टच स्पीड, स्विचिंग, जिपिंग, जैपिंग ऐसे, फिर मूवमेंट्स हैं मूवमेंट्स है और पेस के साथ पूरा मैच खेले हैं। और वन टच में जब आप अगली टीम के साथ स्पीड में कर रहे होते हो ना, तो अगली टीम को कुछ आइडिया नहीं यार, होता कि आप दे क्या कर रहे ब्रोक हो। कोरिया, कोरे याद कोरे है कर हमारे लिया था। हमारा जो फाइनल था उसमें जो हाँ हमारे इस टीम खेली थी, वो भी वन टच पासिंग वन में टच पास, हमें थका के उन्होंने हराया हाँ था। हरा याद है के। सेम मोर लेस वैसी सिचुएशन थी, मुझे वही याद आ रहा था जो हमारे साथ हुआ था। लेकिन ये है कि यार उनका जो रिचार्लिसन की फिनिश है, विनीशियस जूनियर बहुत अच्छा खेला ओवरऑल। खैर रफीनिया नहीं कर सका था रफीनिया गोल, वो भी बहुत कोशिश कर रहा था लेफ्ट राइट विंग से अंदर आ के बार बार, लेकिन डैनी एल्वेस की सीजर किक थी कल एंड पे जाके जो हाँ करने लगा था गोल। वो उनका 39 ईयर्स का प्लेयर है यार, 39 ईयर्स की बिल्कुल ऐसी फिटनेस बहुत बड़ी बात यार, होती है। सबकी सेम फिटनेस लगी है, और जो और जो जो अटैक, इंग्लैंड वालों की सड़ी है, इंग्लैंड वाले बहुत सड़ रहे हैं भाई यार इस टाइम। वो कहते हैं ये हर गोल के बाद डांस क्यों करते हैं। ये 10 से 8 यार, क्या हाँ था कैसे ऐसे था। था ऐसे था। हाँ तो इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ पे सड़ रहे थे कि नहीं इनको ऐसे सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, हम लोग नहीं गोल करने के बाद सेलिब्रेट करते कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार। कभी कभार कर लेते हैं अगर कोई बड़ा ही हाँ ज़्यादा ऐसा मैच बहुत हो। ज़्यादा सीरियस हाँ मैच हो हाँ ना। नहीं उन्होंने डिजर्व करते थे। कल मैनेजर को भी साथ उन्होंने इन्वॉल्व अच्छा करके उसके साथ भी डांस किया। लेकिन ब्राज़ील, अब बाकी सारी टीम्स ना ब्राज़ील से एक दफ़ा डर रही हैं, उनको अब समझ आई है कि इसको फेवरेट्स क्यों कह रहे यार, जो पहला गोल था थे। ना यार, उसने जो फिनिश की है ना, बड़ा अमेजिंग, काम कामली काम लिया यार, अटैक उसके ऊपर वो चार्ज किया, कोयर उसके होते हैं ना ऊपर आप से गुजर गोल। गया यार। हाँ यार वो मैड्रिड में भी ऐसे खेलता है, मुझे लगता था वो बड़ा ओवर रेटेड प्लेयर है, लेकिन मैड्रिड में बहुत सेकंड गोल अच्छा। बनता था कि नहीं बनता था, सेकंड गोल तो उसका है ना पेनल्टी रिचार्लिसन का था है, जो, पेनल्टी थी पेनल्टी। हाँ नहीं नहीं पेनल्टी मतलब पेनल्टी थी, प्रॉपर पेनल्टी थी यार, वो बनता नहीं वैसे, बहुत ट्रिकी यार। था। सबसे अच्छी पेनल्टी जो है ना, वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर मुझे, मैं कभी किसी टीम का कोच हूँ ना और मुझे नाइनटी बनिया वर्ल्ड जाओ, कप फाइनल में भी, बनिया वर्ल्ड कप जाओ। फाइनल में भी 90th मिनट में मिले, ठीक है कि किस प्लेयर को आपने पेनल्टी करवानी है, तो मैं नेमार को चूज़ करूंगा। वो मेंटली तौर पे ना बहुत, यहाँ से बहुत ठंडा है भाई, वो उसको जरा प्रेशर नहीं इतना लेता। ठंडा प्लेयर नहीं हमें चाहिए, हमें अच्छा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा नहीं सा नहीं मतलब गर्म वो हो, वाटर हीटर नर्व्स की पे तरह कंट्रोल भाई, करे ना, वो ये ना देखे कि हमें यार प्लेयर चाहिए जो वेव वाटर हीटर की तरह गर्म हो। गर्मी दिखाई है उन्होंने कल, और कितनी दिखाई गर्मी, चार पहले गोल हो आपके गया। पास की गर्मी खत्म हो गई थी, ठीक है, वेव वाटर नहीं वो हीटर की, रिलैक्स हो गए थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है लेकिन यार अब वेव वाटर आराम से हीटर की खेलो, गर्मी खत्म नहीं होती, थ्रू आउट रहती है भाई। अगर ठंडा पानी उस आ पे भी चले गए। जाएगा, नहीं, ठंडा पानी उस आ पे भी चले गए जाएगा थे, उस पे चले गए थे। वो उस क्या होता है क्या पे टेम्परेचर पूरा हो थर्मोस्टैट गया था, 100 100 डिग्रीज टेम्परेचर, क्या होता है कि जिस पे वो वो, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, वो पानी और गर्म नहीं होता एक टेम्परेचर अटेन करने के हाँ, बाद। पायलट पायलट पे चले, पायलट पे हाँ चले गए पायलट थे। मोड पे हाँ चले गए। हाँ पायलट पे चले गए थे, तो अब वो उनको मेंटेन कर रहे थे उसको। वो ये था यार, हाँ यार उन्होंने अपने हर प्लेयर को थोड़े थोड़े मिनट्स खिलाए हैं इस वर्ल्ड कप में। आप चेक करो उनकी क्लास, उनकी डेप्थ कितनी है पूरी वर्ल्ड कप इसी दिन स्क्वाड की। में अब जो आगे मैचेस हैं ना, अब उसमें खैर अच्छा वैसे आपको पता है एक इंग्लैंड का एक प्लेयर है, उसके घर चोरी हो गई है, वापस चला क्यों, गया। घर चोरी की वजह से हाँ उसके क्या चोरी बीवी किया हुआ बच्चे है, घर पे थे तो चोरी हो गई, तो वो छोड़ के जूते चला या से उसके कपड़े चोरी हुए होंगे, या जूते चोरी हुए गए। जूते होंगे, चोरी हुए होंगे या उसके कप्स तो उसने टीम से मेडल्स। इजाजत ली और वो घर चला गया जनाब। अब वो कह रहा है कि पर जब मेरी फैमिली सेफ फील करेगी तब मैं वापस आ जाऊंगा। और यार बेस्ट हो गया, इंग्लैंड है, ये प्लान तो नहीं इंग्लैंड है, बोल दिया मैंने प्लान इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड ने ही भी बड़ा है। सपोर्ट किया उसको, कह के ठीक है यार रहीम स्टर्लिंग तो। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड फेवरेट्स हैं, स्पेन है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, और या पोर्टुगल की भी डेप्थ बहुत अच्छी है सारे स्क्वाड की। जो अब जो टीम्स रहेगी ना, मोस्टली सारी पांच सिमिलर टीम्स तो भाई ये है, बहुत सिमिलर तगड़ी है। टीम्स हैं। हाँ बहुत तगड़ी टीम्स हैं। मोरक्को और स्विट्जरलैंड हैं जो हॉट डॉग्स हैं, लेकिन चलो यार साउथ कोरिया भाई, मुझे ना इस बार रोना है साउथ कोरिया पर यार, बेचारों को जिस तरह उन्होंने उनके सुतरी कर दी है ना, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं अच्छा। सके यार। हाँ जब आते हैं ना राउंड ऑफ 16 में हाँ तो औकात से बाहर होके खुश हो रहे होते हैं, जैसे पता नहीं हमने क्या मारका मार लिया, और आगे आके आराम से आराम हार के घर से चले जाते हैं।
सेनेगल ने भी ऐसे किया, साउथ कोरिया ने भी ऐसे किया। यस साउथ कोरिया मैं बताऊं, साउथ कोरिया उसकी लीड मेंटालिटी, लेकिन साउथ कोरिया की जो लॉन्ग शूट्स थी ना, तुम्हारी सोचो कीपर्स ने जहां जहां से लॉन्ग शूट्स रोकी है ना, मैच देखते ना तो मैं समझ आ रही थी, तुमने शायद फिर मिस कर दिया। साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया और इसका ब्राजील का। यस हाँ सारा देखा यार, उसने लॉन्ग शूट्स मारी हैं ब्राजील के, जिस पे गोल भी किया उसने। हाँ कोरिया के जो प्लेयर्स ने, ठीक है यार वो उसकी एक रीजन है, दे वर डूइंग गुड, लेकिन जब आपका जो डिफेंस है ना, आपके अटैकर्स को आगे नहीं आने देता, तो वो पीछे से वो कर रहे होते हैं स्ट्राइक, पहले से करना शुरू कर देते हैं भाई मेरे। लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ जब आप खेलते हैं ना, तो आपको पता जाता है। देखो दोनों बड़ी टीम थी, लेकिन जो मॉरल तोड़ दिया ना ब्राजील ने, वो स्टार्ट में तोड़ दिया। बड़ी टीम होती है, जैसे बड़ा ब्रांड, बड़ा टीम, ब्रांड टीम होती है। देखो टीम टीम होती है, स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजी में छोटा ब्रांड हो बड़ा ब्रांड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, हर चीज़ की स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो ना, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अप्लाई कर लो एज पर प्लान, अगर आप चले जाएं तो फिर आप, मैं वही में कह रहा हूं, बड़ी टीम, बड़ी टीम होती है भाई, जैसे बड़ा ब्रांड, प्लान हैज टू चेंज। अगर आप एक प्लान के स्टिक अराउंड करो ना, तो फिर आप तो उन्होंने चेंज किया है ना सेकंड हाफ में, तो किया है ना स्ट्रेटजी, सेकंड हाफ में चेंज किया है, उसमें नेमार को बाहर ले गए, रिचार्लिसन को ले गए, सब प्लेयर्स को उन्होंने रोल किया, ठीक है। पांच सब्स्टिट्यूट्स हैं यार, वो मैं कहता हूँ वो 11 भी होना, तो उनके 11 की 11 ऐसी टीम है कि किसी भी टीम के साथ कम्पीट कर सकती है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनके ओवरऑल। ये फायदा होता है, ये पता लगता है कि बड़ी लीग्स में जाके, यूरोपियन लीग्स में जाके प्लेयर्स की किस तरह की आउटकम आती है। सो वेल आई लव द मैच, हां मैच तो अच्छा था। आधे हाफ में सो गया था वैसे, बाय द वे जो पहला हाफ ही देखा है उसके बाद तो मैं सो गया, मैच खेल के आके थक गया मैं यार, नहाया नहीं हो गया हमारी रात को नहाने के बाद, ठंड लगी है यार मैं, उसके बाद ठंड लगी है, मैं रात को फुटबॉल खेल के आया हूं, फुटबॉल खेल के आया हूं, ठीक है। अच्छा शावर लगी, गर्म पानी से तो ना आया, वैसे वैसे तो ठंड क्यों लगी यार, आई गेस इट्स नेचुरल नहाने के बाद ना, शायद आपको ठंड लगती है ज्यादा। अच्छा और कल वैसे भी हमारा वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया था, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था क्या मतलब कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था, कहाँ का मौसम चेंज हुआ था, मौसम चेंज हो गया, कहाँ पहुंच जाते हो यार। अच्छा चलो कल ठंड थी, आप आपको तो लगता है ठंड लगती नहीं है ना, नहीं जिधर हम ये बैठे हैं यहां पे गर्मी बहुत कम है शायद, चलो मेरे पे ले आओ। तो मेरा ये ख्याल है कि अब क्वार्टर फाइनल में आप बताओ कि क्रोशिया जीतेगा कि ब्राज़ील, ब्राज़ील प्रेडिक्ट करो स्कोर, क्रोशिया तो आउट नहीं होगी, क्रोशिया आउट नहीं हो गया, क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो तुम, जहाँ मेरा बहन आ गया ब्राज़ील क्रोशिया जीतेगा, क्रोशिया जीत गया ना जापान से, ओह सॉरी मैं मेरी कन्फ्यूजन, ठीक है। क्रोशिया ब्राज़ील का मैच है, ब्राज़ील 9 दिसंबर को, कौन जीतेगा स्कोर, ब्राज़ील स्कोर प्रेडिक्ट करो। पहले आपके दो बर्गर पड़े हैं, एक बेल्जियम वाला, जर्मनी वाला, मुझे याद आ गया है, टू याद नहीं, दो इसके ज्यादा होंगे, थ्री बर्गर, तीन गोल करेंगे, हाँ ब्राज़ील तीन गोल करेंगे, 3-0 चलो देखते हैं। और नेदरलैंड और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और नेदरलैंड, अर्जेंटीना ऑब्वियसली मेसी है ना यार, और इंग्लैंड और फ्रांस, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, मैपे एम्बापे, मैपे क्या प्लेयर है यार। चलो अब हम बस करते हैं, तुम बहुत बस कर दे यार, बस कर दे यार, बहुत ज्यादा लंबा ले जाता है, तू रुकता ही नहीं है यार फुटबॉल के, तो पागल ही है तो फुटबॉल शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है यार, बस कर दे यार, हमने ऑडियंस को कितना बोर करना है यार, लेट्स टॉक, हम नहीं आदिल करते हैं, मैं क्या करता हूँ बोर मैं बोर करता हूँ यार, मैं तुम्हें दुखते मार, जो फुटबॉल देखने वाला को मेरी बात से भी सुन लेता होगा, पता है मुझे ये गाइस, आप लोगों ने कमेंट करना है इस, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, तुम होस्ट क्या कहते हैं, तुम्हें कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है या ये वाला कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गाइस कीप कमेंटिंग। दूसरा वेव्स का वाटर हीटर लेना ना भूलिएगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बोथ, आपकी गैस नहीं आ रही, आपकी गैस नहीं आ रही तो नो वरीज, नो वरीज, वेव्स के वाटर हीटर आपकी गैस गैस वेयर भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा अगले की गैस ना आ रही है चल जाता है, बिल्कुल बिजली तो चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की तार एक दी हुई है जो आप लगाओ और बिजली पे वो चल जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दूसरा इट्स अ स्टडियस वाटर हीटर, ठीक है,
आपके मल्टीपल टेम्परेचर्स होते हैं पाकिस्तान के, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, बारिशें आती है, बरसात के मौसम आते हैं, ठीक है, उसकी जो बाहर की शीट है वो दैट इज गैल्वेनाइज्ड। ओके गाइस, कुछ अनाउंसमेंट्स थी, कुछ विनर्स हमने अनाउंस करने थे जो हमारे माइंड में था और हम इस पर अनाउंस करके रहेंगे। नहीं कर सके थे कल। हाँ, कल नहीं कर सके थे लेकिन हम आज अनाउंस करेंगे। जो पोर्चुगल वर्सेस साउथ कोरिया है उसके विनर हैं जी जी तैयबा रियाज। घाना वर्सेस ठीक है बताओ, गाना उड़गे। वर्सेस अ का जो विनर है ना वो हाँ, है गाना वर्सेस यूरोगे का जो विनर विनर है यो वो है मुस्तफा बट। स्विट्जरलैंड वर्सेस शायद सर्बिया सर्बिया का जो शायद विनर है वो है शान कुरैशी। क्रेशी जो कैमरून वर्सेस ब्राजील के जो प्लेयर वो जो विनर हैं वो हैं मिस फरीहा मलिक। नीदरलैंड वर्सेस यूएसए विनर हैं रिजवान मलिक। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैनब खान। पोलैंड वर्सेस फ्रांस मायरा खान। ठीक है मैं नाम दे लेता इंग्लैंड हूँ। वर्सेस सेनेगल मोहम्मद शकील सत्तार। अब उनको इस तरह समझ आ जाएगी सबको अपने नाम के अंग्रेज उनका विल नाम ले टैग रहा देम, है। विल टैग देम। सो जापान वर्सेस क्रोशिया शेख एम काशिफ। ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया अपने मरिया अंदर का खान। अंग्रेज जिंदा करो जैसे पहले ले रहे थे नाम वैसे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अस। वेव्स का वाटर हीटर जरूर लीजिएगा, गर्ल्स देख रही हो तो, वैसे से लोगों को नहला देता। अगर गर्ल्स देख रही हो तो फिर खाली हाँ, गाइस गाइस एंड गर्ल्स, नाज़रीन और हज़रात, ख़वातीन और बहनें भाई सारे के सारे, ठीक है, कीप वॉचिंग अस, ठीक है, और वेव्स का वाटर हीटर ना लेना भूलिएगा। क्योंकि वेव्स का नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। बोलो सारे, नाम ही वेव्स नाम ही काफी है।